तो हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। मणिपुर रो रहा है, मोदी हंस रहा है। और कई बार तो पता नहीं बीच में क्या क्या ब्ला 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 करके बोल रहे थे। अपना मानसिक संतुलन देश के प्रधानमंत्री खो चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री का मकसद मणिपुर की हिंसा रोकना नहीं है, संजय सिंह को रोकना है। कैसे ये सदन में ना पहुंचने पाए, कैसे ये ना बोलने पाए, कैसे विपक्ष की आवाज़ को रोको, ख़त्म करो। और मैं ही नहीं, राहुल गांधी बोले उनकी सदस्यता ख़त्म करो, राघव चड्ढा बोले उनकी सदस्यता ख़त्म करो, डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड करो, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करो, सुशील रिंकू को सस्पेंड करो, सबको सस्पेंड करो, सबके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ये जो नई परंपरा इन्होंने शुरू की है इस संसद को ख़त्म करने की, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे हम लोग डरने रुकने वाले नहीं हैं, इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि कल भी मैंने बोला था कार्रवाई लगातार हो रही है, आज भी कार्रवाई हुई। राघव चड्ढा पे जो कार्रवाई हुई वो भी बेबुनियाद है। सेलेक्ट कमेटी में नाम भेजना, प्रस्तावित करना, ये कोई अपराध ही नहीं। अगला कदम सर आपका क्या होगा? लड़ाई लड़ेंगे इन लोगों से और क्या करेंगे? जो हमारा काम है हम करेंगे, उनका जो काम है वो करने दीजिए उनको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।